राजस्थान में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के 32 जिलों से कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसके साथ 6,542 हो गई। राजस्थान में आज 48 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। नागौर में 17, कोटा में 10, झुंझुनू में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जयपुर में 5, झालावाड़ में 4, धौलपुर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भरतपुर और अजमेर में 1-1 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ, राजस्थान में आज 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई। जयपुर और कोटा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। रिकवरी रेट 57-58, कभी कभी 60 और 60 को भी क्रॉस कर गया। ये जब से अभी प्रवासी पिछले 8-10 दिन से यहाँ आए हैं, लाखों की संख्या में करीब 8-10 लाख लोग आए हैं, माइग्रेंट लेबर्स आए हैं और हमारे प्रवासी राजस्थानी आए हैं। उन लोगों के आने के बाद करीब करीब 1300 प्लस पॉजिटिव केसेस नए बढ़े। हमारा टोटल 2600 अगर पॉजिटिव केस है आज, तो उसमें से 1300 पॉजिटिव केसेस हमारे प्रवासी और माइग्रेंट लेबर्स के हैं। और कुछ जिले हैं जिनमें डूंगरपुर है, सिरोही, जालौर, पाली, नागौर, बीकानेर, इन सहित 17 जिलों में 1300 केस पॉजिटिव आए हैं। मैं समझता हूँ टेस्टिंग कैपेसिटी हमने निरंतर बढ़ाई है 2 मार्च के बाद, और आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 16,000 प्लस है पर डे टेस्ट। और जितने टेस्ट हमने किए हैं आज तक, वो भी मेरे ख्याल से कंट्री में 1-2 राज्य ही होंगे, करीब 2,90,000 टेस्ट हम कर चुके हैं। और जो मोर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो भी हमारा 2.36 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से